देखिए हर जगह बिहार में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस यात्रा को लेकर के, ख़ासतौर पे युवा जो हैं बड़े गुस्से में हैं मौजूदा सरकार को लेकर के। आपने देखा होगा चाहे दरोगा बहाली को भी लेकर के हो, तो कि सर आपसे बेरोज़गारी जो है वो बड़ी है, ख़ासतौर पे बिहार में जो है GSPD जो ग्रोथ रेट वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ा है, डेप्थ जो है बिहार का वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। आप देखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफ़ी हाई है, और हर मामलों में बिहार जो है पीछे नीति आयोग की रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा फेल है। आज समस्तीपुर है पढ़ाओ, और समस्तीपुर जो है आप जानते हैं कि कृषि के मामले में, क्योंकि कृषि प्रधान जो हमारा प्रदेश है उसमें अगर कोई ज़िला सबसे अगर आगे है सब्जियों के उत्पादन में कृषि के क्षेत्र में तो वो समस्तीपुर ज़िला है। वहाँ किसानों की जो हालत है काफ़ी दयनीय है, आलू के उत्पादन से लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब जो समस्तीपुर में जो शुगर मिल है, जूट मिल है, देखिएगा बंद पड़े हैं और लोगों को रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं। तो ये जो सरकार जो है जो गुलाबी तस्वीर जो दिखा रही है नौजवानों को, और ये सरकार पूरी तरीके से जो ठगने का काम किया है, तो इसमें बताएं सरकार के लोग कि GSPD ग्रोथ रेट में बिहार जो है क्यों पीछे हो गया भाई, ये बताएं कि हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है और डेप्थ में बिहार क्यों है। तो ये सारे जो आंकड़े हैं इसमें तो उनको बताना चाहिए, पर कैपिटा इनकम में बिहार जो है वो क्यों पिछड़ी है। तो ये सारी बातें जो हैं सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि 15 साल उन लोगों ने राज किया, अगर 15 साल राज किया है फिर भी बिहार गरीब है डबल इंजन की सरकार में, तो इसका दोषी और कोई नहीं माननीय श्रीमान नीतीश कुमार है। जीडी ये जानना चाहिए कि 15 साल में आपकी सरकार से कितने लोगों को रोज़गार आपने दिया जो यात्रा पर निकले हैं। देखिए ये लोग बात करते रहेंगे 15 साल पहले क्या हुआ, आज़ादी से पहले क्या हुआ, आज़ादी के बाद क्या हुआ, आपने क्या किया, आज की बात कीजिए, कल की बात कीजिए, भविष्य की बात कीजिए। और हम लोगों की सरकार की जहाँ तक बात है तो 7-7 विश्वविद्यालय हम लोगों ने दिया, इंजीनियर में शिक्षकों की बहाली निकाली, सिपाहियों की बहाली निकाली, लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार दिया। लालू जी रेल मंत्री बने तो रेलवे में रोज़गार मिला, रेलवे के कारखाने खोले गए, इन्होंने क्या किया ये बताएं। लेकिन कल की बात क्यों करना, हम आज की बात करें, कल पर कल की बात करें, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर इन चीज़ों पर हम अगर हम रह जाएं, और वो दौर जोर था, आज हमसे पूछा जाए ना, आज हमारी जवाबदेही है, हम क्या करेंगे हम बता रहे हैं, आज मुकाबला आपका हमसे है, आप हमसे बात कीजिए ना। कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी लोगों में डर आ गया है। नहीं, काफ़ी ऑब्वियसली आएगा ही, कोरोना को लेकर के आएगा, लेकिन अभी तो सरकार को जिम्मेदारी लेकर के कैंप लगा करके इसके बारे में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों से प्रिकॉशन लेना है, क्या करना चाहिए, गाइडलाइन जो है वो निकालना चाहिए, कैंप चलाना चाहिए। और जो भी चीज़ें हैं अब सुनने में आ रहा है दिल्ली जैसे राजधानी शहर में हैंड सैनिटाइज़र जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, मास्क की व्यवस्था नहीं है, ये सारी चीज़ें पर ध्यान देना चाहिए।